हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमी जी नेट पर। दोस्तों आज से हमारी स्टडी स्टार्ट हो गई है दिसंबर में जो अपना नेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए। ठीक है, तो आज का अपना जो टॉपिक है वो आईसीटी है। तो आईसीटी में आज हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते हैं और हम जो भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उनको अच्छे से देखेंगे और हर एक क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे और उससे जुड़ा हुआ जितना भी अपना स्टडी मटेरियल है वो भी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि आईसीटी के अंदर कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं और हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम आईसीटी के अंदर रिपीट होने वाले क्वेश्चन की बात करें तो काफ़ी तरह के क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और अभी जो जुलाई का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें भी 4 क्वेश्चन रिपीट हुए थे आईसीटी में से। ठीक है, तो उन सभी क्वेश्चन को हम करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, वो एक वीडियो में कर पाना संभव नहीं है तो उस पर 3-4 वीडियो बनेगी। तो आज जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि आईसीटी में कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए ये जून 2013 के अंदर क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 37, यानी कि 1 GB इज इक्वल टू, 1 GB कितने इक्वल टू होता है, किसके बराबर होता है। तो आप सभी को पता है कि 1024 MB के इक्वल होता है, यानी कि जो मेमोरी के जो क्वेश्चन हैं KB GB MB हो गए उससे क्वेश्चन हर बार मोस्टली आता ही आता है। ठीक है, अभी देखिए मैं आगे भी आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। अभी ये देखिए दोस्तों, दिसंबर 2015 का क्वेश्चन पेपर है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 45, एक कंप्यूटर में 1 BB में सामान्यतः शामिल होते हैं 8 bits। तो हम सभी को पता है कि एक जो बाइट होता है उसके अंदर 8 bits होते हैं। ठीक है, और जो बिट्स से छोटी जो होते हैं, सॉरी बाइट से छोटी जो यूनिट होती है वो निबल होती है, तो निबल के अंदर 4 bits होते हैं, तो ये बात हमें ध्यान में रखना है। तो यानी कि अगर आगे अगर कोई क्वेश्चन आए तो वो ये भी आ सकता है कि ऊपर लिख देंगे कि 8 bits इज़ इक्वल टू, नीचे दे देंगे 1 KB, 1 byte, इस तरह से 1 GB, इस तरह से वो दे देंगे। ठीक है, और इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे भी पूछ सकते हैं वो कि 1 nibble इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है। ठीक है, तो इस तरह से वो पूछ सकते हैं, तो इन चीज़ों पे हमें ध्यान में रखना है इन चीज़ों को। अब देखिए मैं आपको और क्वेश्चन दिखाता हूँ मेमोरी से रिलेटेड और किस तरह के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अब देखिए जून 2015 में ये क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में से कौन सी 1 अरब अक्षरों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि 1 million के इक्वल टू क्या है। तो इसमें कहा है 1 GB। ठीक है, और मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके अंदर, ये देखिए सॉरी बिलियन, 1 billion, ये देखिए 45 क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोविंग रिप्रेजेंट 1 billion करेक्टर्स। ठीक है, तो ये आएगा 1 GB, 1 GB आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप अच्छे से देख सकते हैं कि किस तरह के कैसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और भी मैं आपको दिखा रहा हूँ जो रिपीट होते हैं जिससे आप आसानी से समझ सके। अब ये देखिए दोस्तों, अगस्त 2016 के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर है, यदि 1 GB भंडारण में 2^30 byte है, ठीक है 2^30 है, तो 1024 TB भंडारण के बाइट्स के बराबर है, किसके इक्वल टू हो गए। ठीक है, इन्होंने पूछा हुआ है कि 1 GB 2^30 है तो 1024 TB किसके इक्वल टू होगा, तो ये इन्होंने कहा है कि 2^50। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, इसका जो क्वेश्चन आंसर है UGC ने ये सेकंड दिया हुआ है 2^53, ये इनका आंसर गलत है, राइट आंसर इसका 2^50 आएगा। ठीक है, तो इन सभी का जो नोट्स है वो आपको मैं दे दूंगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि अलग अलग यूनिट्स की कितनी पावर होती है, अलग अलग जो मेमोरी होती है उनकी कितनी पावर होती है, तो उससे आप आसानी से समझ जाएंगे।
तो चलिए मैं आपको और क्वेश्चन दिखाता हूँ जो रिपीट हुए हैं इसके अंदर मेमोरी से रिलेटेड। तो आज का जो अपना टॉपिक है आईसीटी के अंदर मेमोरी है कि मेमोरी में कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, मैं ये देखिए अपना नवंबर 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर इसने लिखा है डाटा भंडारण के अधिक्रम में शामिल है, यानी कि जो अपनी मेमोरी है उसको हमें बढ़ते और चढ़ते क्रम में लिखना है। यानी ठीक है, सबसे पहले छोटी क्या होगी, फिर बड़ी क्या होगी। इसने कहा है बिट्स, बाइट्स, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डाटाबेस। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता होना चाहिए, यानी कि यहाँ से आप आसानी से समझ रहे हैं कि मेमोरी मेमोरी से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि मेमोरी में से हर बार एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आप आसानी से देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है कि बिट्स सबसे छोटे होते हैं, बाइट्स उससे बड़ी होती है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, और देखिए इसके अंदर यही क्वेश्चन फिर दोबारा आ गया नवंबर 2017 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा 1 अरब बिलियन करेक्टर प्रदर्शित करता है। यही ये क्वेश्चन हमने पीछे भी किया था, ठीक है, मैंने आपको दिखाया था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि बिल्कुल डिट्टो कॉपी यहाँ पे एक बार फिर से ये रिपीट हो गया। तो इसका आंसर जो आएगा वो गीगाबाइट्स आएगा, यानी कि 1 GB आएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये रहा इंग्लिश के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द बिलियन करेक्टर्स। तो यहाँ से आप अच्छे से समझ सकते हैं क्वेश्चन को, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूं दोस्तों मैं आपको, यहाँ पे ये हमने PDF बनाई हुई है ICT की है, इसके अंदर 2012 से लेके 2018 तक के सभी क्वेश्चन हैं, टॉपिक वाइज अलग अलग है, जैसे कि कम्युनिकेशन के अलग है, ICT के अलग है, रिसर्च के अलग है। तो अगर आप हमारी ये PDF लेना चाहो तो ये PDF ले सकते हैं, इससे आप आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, और जिससे आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। ठीक है, और देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए जुलाई 2018 का अभी जो अपना एग्ज़ाम हुआ है इसके अंदर मेमोरी से रिलेटेड किस तरह का क्वेश्चन आया था। ये देखिए भंडारण की निम्नलिखित इकाइयों को सही क्रम में रखिए। ठीक है, अब ये देखिए इन्होंने दे दिया किलोबाइट, बाइट, मेगाबाइट, ठीक है, ये सारी चीज़ दे दी। तो दोस्तों अगर हमने इसके बारे में पढ़ा होगा पहले तो हम इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आराम से दे सकते हैं। ठीक है, तो हम सभी को पता है कि पहले बिट आएगा, फिर बाइट आएगा, और फिर किलो बाइट आएगा, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट हो रहे हैं, बस थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है उनको। तो दोस्तों अगर आप हमारी ये PDF लेना चाहो, ये जो हमने सेपरेट क्वेश्चन की बना रखी है सभी की, तो ये हमसे ले सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, इसकी कुछ सामान्य कॉस्ट हो सकती है, तो अगर कोई दोस्त लेना चाहे तो वो हमसे ले सकता है, उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, और अब दोस्तों अब बात करते हैं हम अपनी जो ये भी मेमोरी से रिलेटेड हमें कौन कौन सी बातें याद रखनी है, मेमोरी का जो नोट्स है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये जो मेमोरी वाला नोट्स है ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। तो चलिए हम मेमोरी से रिलेटेड जो नोट्स अपना वो देखते हैं। ये देखिए दोस्तों आप सभी के लिए मैंने नोट्स भी बना रखे हैं, ये नोट्स बिल्कुल फ्री है, ये नोट्स आप हमारी वेबसाइट nimmiji.net से ले सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम इस नोट्स के बारे में देखते हैं। यहाँ पे मैंने सारी जो अपने सभी मेमोरी यूनिट्स होती है उसके बारे में दिया हुआ है कि बिट किसके इक्वल होती है, निबल किसके इक्वल होती है, बाइट्स किसके इक्वल होती है, किलो बाइट्स किसके इक्वल होती है। ठीक है, यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। और मैं आपको दिखा दूँ इससे रिलेटेड क्या है कि जो KB जो होती है अपनी, किलो बाइट जो होती है वो होती है 2 की पावर 10 होती है, और MB जो होती है 2 की पावर 20 होते, यानी कि 10 का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है, 2 की पावर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है, यानी कि आपको सीक्वेंस में पहले याद रखना है कि पहले क्या आता है, जैसे KB आता है, फिर MB आता है, फिर GB आता है, फिर TB आता है। ठीक है, और फिर हमें अगर इसका बाइनरी बनाना हो तो क्या होगा, जैसे 2 की पावर 10 हो गया, 2 की पावर 20 हो गया, 2 की पावर 30 हो गया, 2 की पावर 40 हो गया, तो इस तरह से हम बड़ी आसानी से इसे याद रख सकते हैं। ठीक है,
और यहाँ पे जैसे नंबर ऑफ़ बाइट्स भी हम यहाँ से देख सकते हैं कि क्या होता है। 1024 होता है और 1000 ये दिया हुआ, यहाँ काफ़ी बड़ी रकम है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, सभी की मैंने यहाँ पे दी हुई है, तो ये अगर आप नोट्स लेना चाहो तो आप ले सकते हो, बिल्कुल फ्री में है इसमें। ये देखिए किलो बाइट्स के अंदर और क्या होता है कि अगर डेसिमल के अंदर हम इसकी बात करें तो 10 की पावर 3 होती है, 10 की पावर 6 होती है MB में, GB में होती है 10 की पावर 9, TB में होती है 10 की पावर 12 और पेटाबाइट में होती है 10 की पावर 15। यानी कि इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 की जो टेबल है वो चल रही है, 3, 6, 9, 12, 15, 18। ठीक है, अगर हमें 10 की पावर पूछ लिया जाए तो ठीक है, तो यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं और आसानी से इसे याद रख सकते हैं कि जैसे MB के अंदर कितनी जीरो आते हैं। 10 की पावर 6, इसका मतलब ये है कि शुरू में 1 आएगा और फिर 6 जीरो लगेगी बाद में। ठीक है, यहाँ से आप आसानी से ऐसे इसको याद कर सकते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए अपना जो एक क्वेश्चन आया था कि एक 1 मिलियन इज़ इक्वल टू, 1 मिलियन किसके इक्वल टू होता है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 1 GB के इक्वल टू होता है। और इंडियन इंडियन नंबर सिस्टम में इसे क्या कहते हैं, अरब कहते हैं, और जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है उसमें इसे 1 बिलियन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। और अगर हम MB की बात करें तो 10 लाख 10 लैक्स होता है अपना इंडियन नंबर सिस्टम, और इंटरनेशनल होता है 1 मिलियन होता है। ठीक है, यहाँ से आप आसानी से ये देख सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, अगर हम टेराबाइट की बात करें तो इसके अंदर ये 10 ट्रिलियन के इक्वल टू होता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ कि किस तरह से हम याद कर सकते हैं। अब ये देखिए 1 MB, और 1 MB किसके इक्वल टू होता है, 1 मिलियन के इक्वल टू होता है। तो MB और मिलियन, इन दोनों के अंदर क्या आ रहा है, M और M आ रहा है। ठीक है, यानी कि इससे इसका मतलब क्या हो गया कि 1 MB इक्वल टू होता है 1 मिलियन के। ठीक है, यहाँ से आप याद कर सकते हैं। और अगला हम बात करें जैसे 1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन इक्वल टू किसके होता है, 10 ट्रिलियन। ठीक है, तो यहाँ से आप टी से टी मिल गया, ऐसे हम याद कर सकते हैं। और अगर GB आ जाए तो ये होता है 1 बिलियन होता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि जो GB होता है वो बिल्कुल अलग होता है, 1 बिलियन के इक्वल टू होता है, और जो MB होता है वो M से रिलेटेड होता है, यानी कि 1 मिलियन के इक्वल टू होता है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा अपने हिसाब से इसे याद कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारी ये PDF चाहिए, यानी कि जो मैंने पेपर फर्स्ट से रिलेटेड बना रखी है सेपरेट टॉपिक की, जैसे कम्युनिकेशन की अलग है, ICT की अलग है, जिनमें 2012 से लेकर 18 तक के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो वो भी आप हमसे ले सकते हैं। उसका लिंक भी मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सके। थैंक यू दोस्तों।